हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानस्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले आपकी काफ़ी क्लासेस हो चुकी है, जो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो तो उसके बाद जो आपको पूरी प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें कि आपको यहाँ पर सीटेट बाय एकता नैन करके प्लेलिस्ट मिलेगी। तो इसमें आपको हिंदी और CDP दोनों की क्लासेस देखने को मिलने वाली है, तो आप जाकर जरूर चेक कर लो। इससे पहले जो आपकी क्लासेस हुई है उसमें हमने आपका डिस्कस किया था, आपके यहाँ पर हमने फैक्टर डिस्कस किए कि आपके एनवायरनमेंट पे क्या फैक्टर पड़ते हैं, ठीक है, आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के क्या इफेक्टिव फैक्टर्स है, ठीक है। इसके अलावा हमने आपका यहाँ पर आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ पढ़ लिया, ठीक है, लॉन्गिट्यूडल स्टडीज़ पढ़ लिया, आपके विकास की तकनीक हम पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन पढ़ चुके हैं। ये सब हमने आपके लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक जाकर क्लासेज नहीं देखी तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आज हम आपका यहाँ पर डिस्कस करेंगे विकास की अवस्था, ठीक है। स्टेज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके यहाँ पर बाल विकास की अवस्थाएं क्या है। सीधा आपसे क्वेश्चन बनता है कि आपकी कौन कौन सी स्टेज है, क्या आपका टाइम पीरियड है, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई आपके स्टेजेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा हर लोग, ठीक है, ये आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। हर लोग के द्वारा जो आपके यहाँ पर स्टेज दी गई है इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है हर लोग क्या है, तो ये आप याद रखना, ये आपकी महिला है, ठीक है। ऐसा खैर एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन बहुत से इस चीज़ को लेकर टेंशन में रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इन्होंने कितनी स्टेज दी, तो इन्होंने टोटल जो आपकी 7 स्टेज दी है। कौन कौन सी, चलिए डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो स्टेज है वो है आपके यहाँ पर प्रसव पूर्ण, ठीक है, अवस्था, ठीक है, प्रसव पूर्ण अवस्था, जिसे आप किस नाम से जानते हो, जिसे आप जानते हो प्री नेटल, ठीक है। किस नाम से, आपका प्री नेटल करके जो है आपको मिलेगी सबसे पहले, ठीक है। इसका टाइम पीरियड की बात करें, अगर हम यहाँ पर एज की बात करते हैं क्या रहता है, तो उसका टाइम पीरियड जो है बिफोर बर्थ, ठीक है, बिफोर बर्थ, ठीक है, तो आप कह सकते हो 14 वीक, ठीक है, टोटल जो है आप इसमें कह सकते हो। जब बच्चा गर्भ में होता है माँ के, तो उसमें आपके 40 सप्ताह का टाइम पीरियड रहता है, तो आपका प्रसव पूर्ण मतलब प्री नेटल, प्रसव पूर्ण मतलब प्रसव होने से पहले, ठीक है, प्री नेटल आ जाएगा बिफोर बर्थ। चलिए आगे बात करेंगे आपका सेकंड में क्या है आपका पूर्व, आपकी सेसुआ अवस्था, ठीक है, जिसे आप किस नाम से जानते हो अर्ली, ठीक है, अर्ली इन्फेंसी, ठीक है। आप चीजें समझने पर फोकस रखना, ठीक है। ये क्या होता है बर्थ, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब से आपका 14 मंथ, ये चीजें आपको याद रखनी है, कितने मंथ का, आपका बर्थ से 14 मंथ तक। अब आपसे सीधा पूछा जाएगा पूर्व सेसुआ अवस्था क्या, अगर इसके बीच का कोई टाइम पीरियड है तो वही आपका आंसर होगा, ठीक है। इस वजह से आपको बाकी मनोवैज्ञानिक के भी पढ़नी आवश्यक इसलिए हो जाती है, क्योंकि जो आपकी पूर्व सेसुआ अवस्था किसी ने दी है किसी ने नहीं, एग्जाम में पूछ लिया टाइम पीरियड क्या है, तो आप ये बता दोगे प्रसव पूर्ण अवस्था लगभग ये रहेगा, ठीक है। थोड़े बहुत ही आपको डेज का मंथ का डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी आपका यही रहने वाला है, ठीक है। आगे है आपका यहाँ पर उत्तर, इसके बाद इन्होंने कौन सी स्टेज दी थर्ड, वो है आपका उत्तर सेसुआ अवस्था, ठीक है। ये है आपका यहाँ पर लेटर इन्फेंसी, एक सेकेंड, ठीक है, ये है आपका यहाँ पर लेटर इन्फेंसी, ठीक है। ये आपका कब से कब तक, ये आपका 14 मंथ से आपका 2 साल तक होता है, 2 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या बर्थ से 14 मंथ, लेकिन उसके बाद उत्तर सेसुआ अवस्था में लेटर इन्फेंसी में क्या हो गया, 14 मंथ से लेकर आपका 2 साल तक। अब इसके बाद इन्होंने फोर्थ, क्योंकि टोटल 7 दी है, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में आपकी बाल्य अवस्था मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, बाल्य अवस्था मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाल्य अवस्था मतलब चाइल्डहुड, इसका टाइम पीरियड क्या है 2 से आपका 11 साल। अब आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला, 2 से 11 साल, किसी ने इसे 2 टाइप में डिवाइड किया है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, किसी ने उत्तर पूर्व इस प्रकार से, ठीक है, इन्होंने नहीं दिया तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है।
ठीक है, क्योंकि अब हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, हर लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इन्होंने लगभग सारी स्टेज जो है इसमें कंप्लीट की है। फिफ्थ चलेंगे आपका पूर्व किशोर अवस्था, किशोर अवस्था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, आ जाएगा यहाँ पर अर्ली एडोलसेंस। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या है आपका, यहाँ तक 11 तक हो गया था, अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा बताइए जल्दी, अगर आपको पता है फिर बात करते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है आपका यहाँ पर 11 से आपका 13 इयर्स, सिर्फ इन्होंने 2 साल का जो है अर्ली एडोलसेंस दिया है, ठीक है, 11 से 13। चलिए आगे बात करेंगे, सिक्स में है आपका किशोर अवस्था, किशोरा अवस्था, ठीक है, आगे बात करेंगे, इसमें एडोलसेंस आ जाएगा, इसका टाइम पीरियड क्या है आपका 13 से 17, 13 से 17 ईयर्स तक इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे आपका 7, जो कि इनकी लास्ट स्टेज है, लास्ट में इन्होंने क्या दिया, उत्तर, उत्तर किशोर अवस्था, ठीक है, लेटर एडोलसेंस, ठीक है, इसमें क्या है आपका 17 से 21। तो इन्होंने 21 साल तक सारी कंप्लीट स्टेज लिखी है। अब बहुतों ने क्या किया, किशोर अवस्था तो एक ही माना, ठीक है, पूर्व इन्होंने अलग अलग किशोर अवस्था डिवाइड की, लेकिन बाकी जो आपके मनोवैज्ञानिक है उन्होंने एक ही माना, लेकिन इनकी जो 7 स्टेज है ना, ये लगभग आपके पूरे बाल विकास की स्टेज को कंप्लीट करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, आपको नोट डाउन करना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, नोट्स में मिल जाएगा आपको ये सब, ठीक है, तो आप जाकर जरूर चेक कर लेना। चलिए आगे बात करेंगे, अब आपके दूसरे मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं, अब हम डिस्कस करने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका रूस, ठीक है, इन्होंने भी टोटल कितनी बताई, 4 स्टेज बताई है, ठीक है, सबसे पहली है इनकी शैशव अवस्था, फिर इसके बाद जो है इन सब की विशेषता पढ़ने वाले हम, ठीक है, शैशव अवस्था इन्फेंसी, एज क्या है इसकी 1 से 3 इयर्स सिर्फ, ठीक है, इन्होंने प्रसाव खून इस टाइप की कोई भी स्टेज नहीं दी, टोटल 4 है, दूसरी पे चलते हैं, दूसरा है इनका अर्ली चाइल्डहुड, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, टाइम पीरियड क्या रहेगा 3 से 6 इयर्स, ठीक है, और ये मैक्सिमम यही रहता है, बाकी मनोवैज्ञानिक ने किसी ने 2 से 6, ठीक है, किसी ने 3 से 6, यही रहता है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, थर्ड है आपका लेटर, लेटर चाइल्डहुड मतलब उत्तर बाल्यावस्था, इन्होंने 6 से 12, ठीक है। चलिए फोर्थ पर चलते हैं, फोर्थ है आपका किशोर अवस्था, अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये ऐसी अवस्था है जिनसे हर बार क्वेश्चन आपका बनता है और बनता रहेगा, ठीक है, एडोलसेंस, ठीक है, इसमें है आपका 12 से 18, ठीक है, ये 4 किसके द्वारा थी, आपकी रूस की, ठीक है, रोज के द्वारा ही आपकी दी गई थी। चलिए आगे बात करेंगे, चारों समझ में आई, बस आपको एज टाइम पीरियड याद रखना है क्या से क्या है और कितने स्टेज कौन सी दी है, ठीक है, पहली शैशव अवस्था, सेकंड आपका अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और आपका किशोर अवस्था, बहुत ही सिंपल और सबसे कह सकते हो इजी इन्होंने ही दी है। चलिए और टाइम पीरियड भी काफी अच्छा इन्होंने रखा है। चलिए आगे बात करेंगे आपका, एक है आपका यहाँ पर, ठीक है, खुले, इन्होंने आपकी टोटल 12 स्टेज दी है, ठीक है, टोटल कितनी स्टेज दी है, 12 स्टेज दी है, लेकिन इन्होंने 1 से 7 जो है आपकी वो तो बाल्यावस्था, लेकिन जो आपकी 8 से 12 दी है
वो इन्होंने पूरी डेवलपमेंट को बताया, ना कि चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट एडोलसेंस तक जहाँ तक खत्म हो जाता है, लेकिन उन्होंने आपके ओल्ड एज भी दिए, ये आपको बस इतना याद रख लेना, ठीक है? ये नहीं पूछेंगे ज़्यादा। आगे बात करेंगे आपकी शैली के द्वारा भी देख लेते हैं। अगर हम शैली की बात करें, शैली ने कौन कौन से दिए, चलिए एक बार से भी डिस्कस करेंगे। ये इतनी स्टेज आपको समझ में आई है, कमेंट करके बताइए फटाफट, फिर आगे बात करते हैं आपका। अगर हम बात करें आपकी आगे आगे आपकी सेलिंग, ठीक है? इन्होंने टोटल जो है आपके 3 स्टेज दिए, कुल इन्होंने 3 स्टेज बहुत ही सिंपल और सिंपल तरीके से जो है इन्होंने अपने पूरी स्टेज टाइम पीरियड को समाप्त कर दिया। कौन कौन सी है, चलिए सबसे पहले देखेंगे। सबसे अगर हम पहली देखें वो है इनकी इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब शैशव अवस्था, टाइम पीरियड क्या है, 1 से लेके 5 साल इन्होंने दिया है। देखो अभी देखा हमने 2 से तो 5, 2 से 6, 2 से 5 किसका था, बाल्य अवस्था, लेकिन इन्होंने इन्फेंसी दे दिया, ठीक है? इसी वजह से जो आपका टाइम पीरियड में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको बना रहता है, क्योंकि किसी मनोवैज्ञानिक ने कुछ दिया है और किसी ने कुछ। चाइल्डहुड में क्या जाएगा, 5 से 12, इन्होंने 5 से 12 दिया। आगे है जो आपका थर्ड लास्ट एडोलसेंस, एडोलसेंस में जो है इन्होंने 12 से 18, ठीक है, 12 से 18 इन्होंने दिया है। ये आपका सिले के द्वारा 3 स्टेज दी गई है, इसमें इन्होंने अपना पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया स्टेज के द्वारा, ठीक है? अभी तक हमने किसकी बात कर ली, सिले की बात कर ली, रूस की बात कर ली। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग स्टेज बताई है, लेकिन आप इतनी सारी स्टेज कैसे याद रखोगे, नहीं रख सकते, ठीक है? इतनी सारी स्टेज आप याद नहीं रख सकते। तो अब बात करेंगे आपकी जो कॉमन होती है, जो आपकी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, टोटल कितनी स्टेज है, चलिए वो देखते हैं। तो अगर हम बात करें जो आपकी सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो आप मान के चल सकते हो, जो आपने अभी देखी रूस की भी काफ़ी अच्छे तरीके से दी गई है, और जो आपकी हर लोग है इनकी सबसे बेहतर तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब की है। चलिए बात करेंगे आपकी यहाँ पर सबसे पहली स्टेज, वो है आपकी प्रसावपूर्ण, प्री नेटल, ठीक है? प्री नेटल स्टेज, ये सबसे फर्स्ट है। इसमें क्या होता है, प्री नेटल, अभी देखा प्री नेटल मतलब प्रसाव पूर्व, प्रसाव से पहले। टाइम पीरियड पूछा जाता है कितना है, याद रखना है 40 वीक, कितना होता है 40 वीक, या फिर कह सकते हो 280 डेज। टाइम पीरियड पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताओं पर, बस यही आपको स्टेज में याद रखना है। क्या कह सकते हो, टोटल 9 मंथ, ठीक है? बच्चा गर्भ में कब तक रहता है, 9 मंथ 10 दिन के आसपास, ठीक है? ये आप इस तरीके से कुछ भी पूछ सकते हैं कि 40 वीक पूछ दे, डेज में पूछ ले, मंथ में पूछ ले, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है? तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी पॉइंट पर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट करके पूछो। ये जो आपका यहाँ पर प्रसाव कौन है, ये स्टेज हम आपकी कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? आज आपको इंट्रोडक्शन देना था स्टेज का, ये सब हम आपकी कल डिस्कस करने वाले हैं। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ क्लास कैसी लगी बताना बिल्कुल ना भूलें, और ज्ञानस्थली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि बाकी स्टूडेंट को भी पता लगे कि यहाँ पर आपकी क्लासेस कराई जा रही है। और सबसे बड़ा ऑफर मैं अगर बात करूँ दिवाली का, फेस्टिवल का, वो है आपका 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर तक आप अगर पेपर 1 की क्लासेस लेते हो तो आपको पेपर 2 की फ्री में मिलेगी, मतलब पेपर 1 के साथ पेपर 2 का कोर्स फ्री में मिलने वाला है, और फीस आप सुन के चकरा जाओगे, इतनी कम आपकी फीस है, 999 रुपये मात्र। पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है नोट्स आपको मिलने वाले हैं इसमें, ठीक है? नोट्स, PDF सब चीज़ आपको मिलेगी, तो 999 रुपये है, फ़ायदा उठाइए इस चीज़ का, इतने कम में आपको कहीं पर ये कोर्स नहीं मिलेगा। और हमारा मेन जो मकसद है ज्ञानस्थली का, वो यही है कि आपको बहुत ही कम फीस में जो है आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाए, ठीक है? तो 999 रुपये मात्र जो है आपकी फीस रहने वाली है, तो फटाफट ज्वाइन कीजिए, नंबर आपको मिल जाएगा, आप उस नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल ले सकते हो। तो चलिए गाइज, मिलेंगे आपसे कल, कल हम आपका यहाँ पर प्रीनेटल स्टेज को डिस्कस करेंगे, आगे आपका यहाँ पर शिशु अवस्था को डिस्कस करेंगे, इन्फेंसी स्टेज, प्रारंभिक, बाल्य अवस्था, ये सारे हम आपका देखने वाले हैं। तो चलिए मिलेंगे आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखें, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेरीज है
तो बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको क्लास टाइमिंग की बात करें तो क्लास आपकी डेली 8 PM पे होती है, 8 PM पर जुड़ जाया कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी, और सीटेट बाय एक्टनैन प्लेलिस्ट चेक करना, प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है, सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखिए, ठीक है? कोई डाउट कोई क्वेरीज हो बता सकते हो कमेंट करके।